वो मानती ही नहीं है तो लोग को क्यों दिखाते हो कि मैं सुप्रीम कोर्ट का उल्लंघन कर रही हूँ, मैं संविधान का उल्लंघन कर रही हूँ? क्या संविधान यही सिखाता है कि आप अधिकार नहीं मांगो, आप मुंह चुप करके रहो, आप किसी के दबाव में शोषित बन के रहो? संविधान या तो नहीं कहती है, क्या संविधान यह कहती है कि मेरी आवाज को तुम एकदम दाब दो कि कभी भी हम उठ के खड़ा ही ना हो सके? ऐसा हनन आप किए, मानवाधिकार का हनन कैसे? ये क्या है? मेरे अधिकार को छीन लेना, मेरे हक को छीन लेना, मेरी आवाज को दबा देना, ये क्या हुआ? ये मानवाधिकार का हनन है, मानवाधिकार का हनन है कि मैं अपने पेट के लिए, अपने परिवार के लिए मैं अपना हक नहीं मांग सकती हूँ। आप खोलेंगे ऊपर नोटिस भेजेंगे तो क्या कहिए? नहीं खोलेंगे, आप भेजो नोटिस। हाँ। कितना नोटिस भेजोगे? कितने को चयन मुक्त करोगे? हाँ। करो 1,20,000 से बिका का चयन मुक्त निकालो, चयन मुक्त का तुम जेल में भरोगे? किस जेल में जगह है? भेजो, मतलब जेल भी जाने, जाने को तैयार है, तैयार है जेल। जी हाँ जी हाँ जी हाँ, यदि आपकी मांगे जो बोले कि चुनाव यदि हो जाएगा, हो भी मांगे पूरी नहीं, नहीं होगी तो चलता रहेगा, चलता रहे। चलिए अच्छी बात है कि आप चुनाव तक हमको घींच लीजिए, तो वो भी भगवान करे आपको सुबुद्धि दे कि आप मेरा हड़ताल को अपने चुनाव तक खींच लीजिए। हाँ, ताकि ताकत अपना दिखा पाएगा, जब हम भी ताकत दिखा पावे कि हम है कि आप है, हमसे आप है कि आपसे हम है, यह भी हम दिखा देते हैं उनको, यह हम भी चाहते हैं। हम लोग इसके साथ में है, जब तक नहीं हम लोग के मानदे देगा जब तक हम लोग हड़ताल नहीं तोड़ेंगे, जब तक नहीं नहीं तोड़ेंगे, प्रण ठान लेंगे। तेजस्वी हाय हाय, तेजस्वी हाय हाय, तेजस्वी हाय हाय, तेजस्वी हाय हाय, तेजस्वी हाय हाय। सर, मैं एसके आनंद और आप देख रहे हैं पीएम बिहार न्यूज। जैसा कि जो भीड़ आप देख रहे हैं लगातार, ये आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका का भीड़ है, लगातार 16 दिन से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठी हैं, जम्मू जिले के अलग अलग प्रखंडों में बैठी हैं, बिहार के अलग अलग जिलों में बैठी हैं और कहीं ना कहीं अपना राज्य केंद्र राजधानी में भी बैठे हैं, लेकिन इनका आवाज़ अभी तक सरकार के कानों तक नहीं पहुंचा है। पता नहीं सरकार क्या सोचती है ना सोचती है, लेकिन इनका आवाज़ जो माँ साढ़े चार घंटा सेवा करती है बच्चों को, अपने बच्चों को छोड़ करके दूसरे के बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को पोषण से लेकर के उसका पोशाक तक देखभाल करती है, लेकिन इनका पोषक और पोषण को देखने के लिए सरकार के कानों में क्या पड़ा है अभी तक आवाज़ नहीं सुनाई पड़ा है। लेकिन जानते हैं यहाँ का जो जिला अध्यक्ष है एटक के अनिता अंशु जी से, इनसे जानते हैं कि क्या अभी तक 16 दिन लगातार हो चुका और आपकी आवाज़ें कितना जिला से लेकर के राज्य तक पहुँचा है, और क्या लगता है कि आपकी आवाज़ें यदि अभी नहीं सुना जाए तो 24 के जो चुनाव है इसको लेकर के आपकी क्या तैयारियाँ हैं, और आप पूरे राज्य में कितने आपकी संख्या जिससे लगेगा कि वर्तमान सरकार को कि यदि इनकी मांगे पूरी नहीं करेंगे तो आने वाले चुनाव में भी हमें खतरा है। 6,000 में दम नहीं है, 30,000 में दम नहीं है। गली गली सरकार को गली से उतार दो, गली गली सरकार को गली से उतार दो। नारों के माध्यम से, जैसा कि नारा आप सुन सकते हैं किस प्रकार से जोर शोर से ये अपना नारा लगाते हैं, और इनका साफ स्पष्ट करना है कि नारी यदि किसी को सत्ता पर बैठा सकती है तो सत्ता से उतारने का भी क्षमता रखती है। लेकिन जानते हैं इनका क्या समस्या, समस्या तो मैं लगातार आपको कवरेज करके दिखाता रहा हूँ और लगातार आप देख भी रहे हैं, लेकिन इनका मांगे कहाँ तक जायज हैं, और मुझे भी लगता है कि कहीं ना कहीं जिस प्रकार से ये सेवा करती है और छह संदर्भ सेवा लेकर के इनका पूरे भारत में, इनका एक मांग है कि मैंने पूरे भारत में पोलियो मुक्त करा दिया, कोरोना काल में मैंने दिन रात एक करके अपने बच्चों को छोड़ करके सेवा में लगी रही, लेकिन अभी तक मेरी आवाज़ों को सरकार तक पहुंचा नहीं है। लेकिन जानते हैं यहाँ सबसे पहले मैम अपना परिचय दीजिए। मैं बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन एटक। लगातार जो है आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और आंगनबाड़ी सेविका को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे सरकार को? मैं सरकार से यह कहना चाहती हूँ कि सरकार हमें तरह तरह की बातों से, तरह तरह के लेटर से यह दबाव देना चाह रही हैं कि हम लोग डर जाएं और हम लोग डर करके अपने फैसले को बदल दें। अभी आपको 4 दिन पहले की बात है कि ICDS से लेटर निर्गत हुआ है कि आप लोग 16 तारीख तक अपने हड़ताल से वापस हो जाइए, नहीं तो पोषाहार की राशि को किसी से वितरण करवा दिया जाएगा। तो मेरा एक ही चीज़ कहना है, आप पोषाहार की राशि का धमकी देते हैं, ठीक है, पोषाहार की राशि का धमकी देते हैं कि आप बंटवा दीजिएगा तो आप बंटवा दीजिए ना, फिर सुनाते हैं किसको? सुनाने की प्रक्रिया तो वह आदमी करता है जिस
को कि डर लगता है। क्या आपको डर लग रहा है सेविका एवं सहायिकाओं से? क्या लगता है आपको कि सरकार हमारी जो मांगे हैं उनसे डर करके इस तरह का फैसला हुआ ले रहे हैं? इससे नहीं हुआ, इस पर भी मेरी सेविका बहन कोई भी नहीं अगर ध्यान दी, समूचे बिहार की सेविका, कुछ सेविका पटना में भूख हड़ताल पर बैठी हुई है, बहुत सारे जितने सेविकाओं हैं 1,00,000 लमसम 15,000 से 20,000 सेविका है और सभी के केंद्र में ताला लगा हुआ है। अब सरकार कहती है कि आप लोग पोषाहार की संविधान सुप्रीम कोर्ट का उल्लंघन कर रहे हैं। अरे भैया, मैं सुप्रीम कोर्ट का उल्लंघन मैं तो नहीं कर रही हूँ, सरकार कर रही है। हाँ, इसलिए ठीक है, मैं जान रही हूँ कि यह सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि आप 300 दिन बच्चे को गरम पका भोजन खिलाओ। ठीक है, मैंने खिला दिया, मैंने इतना दिन से काम कर रही हूँ, फिर भी आप तो कभी ध्यान नहीं दिए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का तो आप कह दिए कि मैं उल्लंघन कर रही हूँ, लेकिन क्या आप गठबंधन की सरकार जो बैठे हुए हैं कुंडली मार करके, आप मुझे यह जवाब दे सकते हैं उल्लंघन मैं कर रही हूँ या उल्लंघन आप कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट तो कब का ही यह आदेश जारी कर दी थी कि सेविकाओं को ग्रेच्युटी की लाभ मिलनी चाहिए, लेकिन क्या आज तक आप इस लेटर को जारी किया? सुप्रीम कोर्ट की बातें बिहार सरकार कितना मान रही है? जब वो मानती ही नहीं है तो लोग को क्यों दिखाते हो कि मैं सुप्रीम कोर्ट का उल्लंघन कर रही हूँ, मैं संविधान का उल्लंघन कर रही हूँ? क्या संविधान यही सिखाता है कि आप अधिकार नहीं मांगो, आप मुंह चुप करके रहो, आप किसी के दबाव में शोषित बन के रहो? संविधान या तो नहीं कहती है, या संविधान यह कहती है कि मेरी आवाज को तुम एकदम दाब दो कि कभी भी हम उठ के खड़ा ही ना हो सके? ऐसा कहीं हुआ है क्या? कहीं ना कहीं आपकी आवाजों को दबाने का प्रयास किया जा रहा है और वह खुद को नहीं देखते हैं, जानते हैं यह गॉड गिफ्टेड है, ऊपर वाला ही बनाया है। हर एक मनुष्य के हाथ में दो उंगली, एक सामने दिखता है एक इधर दिखता है। सामने को दिखाने से पहले खुद को तुम देखो कि मैं सुप्रीम कोर्ट का बात कितना मान रहा हूं, आप क्यों उल्लंघन कर रहे हैं? 14वां वित्त आयोग में ही सेविकाओं का मानदेय बढ़ाने की बढ़ोतरी करने की आदेश दे दिया गया था आपको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, केंद्र की सरकार के द्वारा, लेकिन आप अभी तक नहीं, 1,54 नहीं दिए हैं। जो 750 दिया गया 2015 में उसको आप राजकीय भत्ता बना दिए, क्योंकि 25% के दर से आपको हर एक साल बजट में देना पड़ता, इसके डर से आप उसको राजकीय भत्ता का 2 महीने के बाद अनाउंसमेंट कर दिए। तो आप उल्लंघन कर रहे हैं या हम लोग उल्लंघन कर रहे हैं? उल्लंघन की प्रक्रिया आपसे चलती है, आप क्या चाहते हैं? यह राजतंत्र का देश है या तानाशाह का देश है? मेरे कहने का मतलब है राजतंत्र में राजा का चलता है हुक्म, तो आप यही चाहते हैं ना कि हम राजा बनके अपने मन से बैठ गए हैं बन करके कुंडली मार के, तो यहाँ राजा का ही घोषणा चलेगा और प्रजा कुछ नहीं करेगी? एक तरह से सरकार कहिए कि राजतंत्र आपके ऊपर लागू कर रही है, लागू कर रही है। हम जो कहेंगे वही तुम करो, हम जो सुनाएंगे वही तुम सुनो। अरे क्या बात है भाई, कहाँ की ये सरकार है? ये तो ताना की शाह की सरकार है, जो कि इस देश में प्रजातंत्र, प्रजा का राज्य चलता है, प्रजा के अनुसार चलता है, प्रजा के मोनोपोली से चलता है। प्रजा किसको जिता सकती है, किसको हरा सकती है, किसको क्या कर सकती है, वह देश है ये। और उस देश में ये गठबंधन की सरकार जो है ताना शाह की सरकार है, इनका यही काम है तरह तरह के यातनाओं से, तरह तरह के सुप्रीम कोर्ट का, संविधान का। अरे सबसे ज्यादा तो सुप्रीम कोर्ट का उल्लंघन आप किए, मानवाधिकार का हनन आप किए, मानवाधिकार का हनन कैसे? ये क्या है? मेरे अधिकार को छीन लेना, मेरे हक को छीन लेना, मेरी आवाज को दबा देना, ये क्या हुआ? ये मानवाधिकार का हनन है, मानवाधिकार का हनन है कि मैं अपने पेट के लिए, अपने परिवार के लिए मैं अपना हक नहीं मांग सकती हूँ? आप क्यों नहीं, आज 16 दिन से हम लोग हड़ताल पर बैठे हुए हैं, आप इसकी खबर क्यों नहीं लेते हैं? 4 कैबिनेट की बैठक कर चुके हैं, आप इसका चर्च क्यों नहीं उठाते हैं? आपका क्या इरादा है? मैं आपसे यह पूछना चाहती हूँ, आप सोचते क्या हैं? यही सोचते हैं ना कि जो मैं कहूंगा, जो मैं लागू करूंगा वही होगा, लेकिन यह भी उनको मालूम होना चाहिए कि यह जो महिला है, यह जो चाहेगी उसी के अनुसार से आप भी राज कर सकते हो, यह है प्रजातंत्र की आजादी। तो इसलिए मेरी आवाज को एनी टाइम दबाने से कुछ होने वाला नहीं है। यह सरकार इस बार वोट में इनकी सरकार गिरेगी, जरूर गिरेगी। आप कहते हैं कि सरकार को गिरा दीजिए, गिरा देना है। हाँ,
ईंट से ईंट बजा देंगे और सत्ता को हिला देंगे, यही मेरा इनका नारा है। ईंट से ईंट बजा देंगे या महाहड़ताल, या महाहड़ताल आपको ले डूबेगा, या मेरा प्रण है या मेरा वादा है। क्योंकि लेकिन सरकार तो एक तरफ बोल रही है 16 तारीख से आंगनबाड़ी को खोलने के लिए, वो तो कहने वाला उनका कहना काम है, करना मेरा काम है, सोचना मेरा काम है, अधिकार लेना मेरा काम है, आप कैसे दीजिएगा नहीं दीजिएगा वह आप सोचिए, वह सोचने के लिए मैं नहीं बैठी हूँ। यानी आपका साफ तौर पर कहना कि यदि सरकार हमारी बातें नहीं मानेगी तो हम क्यों मानेंगे, हम भी 16 तारीख से नहीं करेंगे, नहीं तालाबंद खोलेंगे। ऊपर नोटिस भेजेंगे तो क्या कहिए? नहीं खोलेंगे, आप भेजो नोटिस। कितना नोटिस भेजोगे, कितने को चयन मुक्त करोगे? करो 1,20,000 से बिका का चयन मुक्त, निकालो चयन मुक्त का, तुम जेल में भरोगे, किस जेल में जगह है, भेजो। मतलब जेल भी जाने को तैयार है, तैयार है जेल में। जी हाँ जी हाँ जी हाँ। यदि आपकी मांगे जो बोले कि जीविका दीदी को दे देंगे, दे दीजिए, दे दीजिए उस पोषाहार की राशि को, या आप अपने गले का हार पहन लीजिए उस राशि से। मतलब आपको नहीं चाहिए? हमको ऐसा राशि नहीं चाहिए। आपको तो दीदी पीटा भी जा रहा है, जीविका दीदी को पीट दिए हैं पटना में जो है। हम बोले ना दो कश्ती के, हम तो आपको पहले ही कह चुके हैं कि ये तो दो कश्ती के सरकार है, दो कश्ती का इनका विचार है, दो कश्ती का इनका सोच है, दो कश्ती का इनका चाल चलन है। जीविका तो जीविका, नहीं तो आंगनबाड़ी सेविका, और सेविका नहीं तो जीविका, यही इनका है। ये दो नाव पर है, एक को खड़ा रखते हैं एडवांस बुकिंग करके, एडवांस में कि इससे नहीं काम हुआ तो उससे लगा दिए, उससे नहीं काम हुआ तो तीसरे को लगा दिए, यही इनका नीति है। आज सीडीपीओ मैम को आप ज्ञापन सौंपे तो क्या सीडीपीओ मैम का उनका यही कहना था, मेरा उनसे रिक्वेस्ट था कि आप मेरी आवाज बनिए, आप मेरी आवाज को, मेरा आवाज ऊपर तक पहुंचा दीजिए। उनका यह आश्वासन मिला कि ठीक है, मैं आपकी आवाज को, मैं कुछ दे तो नहीं सकती हूँ, लेकिन आपकी आवाज को मैं वहां तक इस लेटर के माध्यम से, इस ज्ञापन के माध्यम से मैं पहुंचा दूंगी। एक तरह से आवाज बनने, आवाज बनेगी। और आप विधायक और सांसद से मिलने वाली थी, वो 15 तारीख से लेकर के 24 तारीख के बीच में, जिस दिन मेरी क्षेत्रीय विधायक अगर सर्किट हाउस में हमको मिल जाती हैं, उनका डेट ले लेंगे, उसके बाद हम सारी सेविकाओं के साथ उनके पास हम जाएंगे और उनको भी ज्ञापन सौंपेंगे। और ज्ञापन सौंपने के बाद उनसे भी यही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप विधानसभा में मेरी आवाज़ बनिए, मेरी आवाज़ को सरकार के कानों तक पहुंचाइए, मेरा हक दिलाइए, मेरा अधिकार दिलाइए, आप मेरा हक दिलाइएगा, आपका हक मैं बनूंगी। यानी आप उनकी आवाज़ फिर बन जाएंगे। तो यही मेरा उनसे बार बार का अनुरोध रहेगा कहने का। लगातार आप जिद्दी पर अड़े हैं, यानी आपकी मांग मानदेय जब तक नहीं पूरी होगी तब तक क्या लगता है कि अनिश्चितकालीन हड़ताल चलता रहेगा? चुनाव यदि हो जाएगा, भी मांगे पूरी नहीं होगी तो चलता रहेगा। चलिए अच्छी बात है कि आप चुनाव तक हमको घींच लीजिए, तो वो भी भगवान करे आपको सुबुद्धि दे कि आप मेरा हड़ताल को अपने चुनाव तक खींच लीजिए। हाँ, ताकि ताकत अपना दिखा पाएगा, जब हम भी ताकत दिखा पावे कि हम है कि आप है, हमसे आप है कि आपसे हम है, यह भी हम दिखा देते हैं उनको, यह हम भी चाहते हैं। चलिए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम शर्मिला कुमारी हुआ, मैं अरवन क्षेत्र से हूँ। आप सहायिका सेविका हूँ। तो आप, जैसा कि आपकी लीडर कह रही है कि अनिश्चित हड़ताल का चलेगा, तब तक आपका, आपको क्या लगता है कि टिक पाइएगा, दी वेतन नहीं मिलेगा? जी, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी मैं अपना हड़ताल नहीं तोड़ूंगी, क्योंकि मुझे हक की मजदूरी नहीं मिल रही, जितना काम करती हूँ उसके मुताबिक मुझे राशि नहीं मिल रही है। आपको राशि उतना नहीं मिलती है? मैं खुद कुपोषित हो रही हूँ, हमारे बच्चे कुपोषित हो रहे हैं इस महंगाई के दौर में। यानी आपके बच्चे भी कुपोषित हो रहे हैं, सरकार आपको नहीं सुन रही है? जी, तभी हूँ अगहरा बरवट्टा से। अच्छा, ये बताइए कि आपका सेविका का जितने भी लीडर है, जो लीडर है, वो बोल रहे हैं कि हम लोग अनिश्चित हड़ताल पर रहेंगे, तो क्या आप लोग सहमत हैं? हाँ, सहमत है, हम लोग इसके साथ में हैं। हाँ, जब तक नहीं हम लोग के मानदेय देगा, जब तक हम लोग हड़ताल नहीं तोड़ेंगे, जब तक नहीं तोड़ेंगे, प्राण ठान लेंगे। हाँ, एकदम। देखिए जिस प्रकार, और अभी आप एटा का जिला अध्यक्ष अनितांशु जी का सुना, और इन्होंने नारेबाजी के माध्यम से सरकार के मंशा को डायरेक्ट कर दिया, यदि ये हमारी मांगे पूरी नहीं करती है तो आने वाले लोकसभा चुनाव में हम उनका मंसूबा पर पानी फेर देंगे। और दूसरी बात है कि आज सीडीपीओ मैम को ज्ञापन सौंपी, और सीडीपीओ मैम ने भी आश्वासन दिया कि मैं आपकी आवाज़ बनूंगा। और जैसा कि देख सकते हैं मेरे पीछे नारा लगा करके, जिस प्रकार से नीतीश और सरकार और तेजस्वी सरकार पर सीधा, मतलब जो है, नारे के माध्यम से करारा प्रहार कर रहे हैं। यदि ऐसे ही खबरों को देखने के लिए बने रहे हमारे साथ।